हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ आज व्लॉग। तो गाइस, मैं आ गई हूँ मेरा सारा पिटारा लेकर। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मेरे फेस क्लीनअप के लिए। एंड गाइस, मैंने ना ऑनलाइन से बुक किए थे ये 5 गार्निश शीट मास्क, जो कि है हाइड्रा बॉम, सकुरा ग्लो, प्योर चारकोल, विटामिन सी एंड हाइड्रा बॉम। ये 5 वेराइटी में, एंड बहुत सोचने के बाद मैंने चॉइस किया ये वाला गार्नियर का शीट मास्क। उसके बाद मैं गाइस, यहाँ पर देखिए मेरा फेस कितना डल हो चुका है, शायद मेरे हस्बैंड भी मुझे पहचान ना पाए, लेकिन गाइस मैं भी तो इंडियन वाइफ हूँ ना, ऐसा कैसे बोलने दूंगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं ज़्यादातर यही यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो एकदम घिस घिस के अच्छे से जितनी भी गंदगी, पसीना, डस्ट वगैरह है, वो सब अच्छे से आपको रिमूव कर देना है। अगर क्लीन ही नहीं होगा फेस, तो बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही अच्छे से, प्यार से मेरे फेस को अच्छे से कर दिया है क्लीन। एकदम चमकता धमकता दिख रहा है ना अभी मेरा फेस, तो 50% काम यहीं पर कंप्लीट हो गया है। बस उसके बाद मैं बारी थी स्टीम लेने की, तो स्टीम लेने के लिए मेरे पास में स्टीमर तो था नहीं, तो मैंने किया जुगाड़, क्योंकि जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो गाइस, मैंने लिया एक टोप और उसमें कर दिया पानी को गर्म, और टॉवल को कुछ इस तरीके से फेस को कवर करके, और फिर मैंने ले ली स्टीम। स्टीम लेने का गाइस फ़ायदा ये है, जो भी पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उसके जैसे आप आपके फेस की छुपी हुई गंदगी को बाहर निकाल कर अच्छे से साफ कर सकते हो। प्लस ये ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। एंड गाइस, उसके बाद में बारी है फेस स्क्रब की। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब, एंड उसके साथ में जस्ट हब्स कंपनी का लिप स्क्रब। तो ये दोनों स्क्रब मैं एक साथ में लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने फेस पर अच्छे से पूरा का पूरा पाउच कर दिया है खाली। हालांकि मैं कंजूस मारवाड़ी हूँ, लेकिन फेस क्लीनअप के टाइम में मेरी कंजूसी एक तरफ और मेरा फेस क्लीनअप एक तरफ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया है मेरे फेस पर, ताकि जो भी डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाए। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ, फेस पैक एंड फेस शीट मास्क, तो वो अच्छे से अपना काम कर सके। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से घिसने के बाद में मेरा जो फेस है ना, वो अच्छे से ग्लो करने लग गया। गाइस, जो ये लिप स्क्रब है ना, वो है पुदीना फ्लेवर में। तो प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, तो ये वाला स्क्रब है ना, मैं जानबूझ के लगाती थी सो दैट मुझे थोड़ा अच्छा लगे। एंड यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छे से जो डेड स्किन थी वो भी निकल चुकी है लिप्स और फेस के ऊपर से। गाइस, फेस स्क्रब करने के बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हिमालया का नीम फेस पैक। एंड गाइस, मुझे आज भी याद है, मैंने लाइफ में सबसे पहली बार ये वाला ही फेस पैक यूज़ किया था, क्योंकि तब है ना एकदम न्यू मतलब ये पाउच के टाइप में निकले थे, तो 15-10 रुपीज़ के मिलते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार लाकर ट्राई करती हूँ, एंड तब से ये मेरा फेवरेट है। उसके बाद से मैंने आज तक कोई भी फेस पैक यूज़ नहीं किया है। एंड गाइस, यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से सूख चुका है। आप इसको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके रख सकते हैं। तो सूखने के बाद में मैंने कर लिया है वॉश फेस को। एंड यहाँ पर देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ गुलाब जेल। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम कंपनी का, हालांकि पहले मैं डाबर कंपनी का गुलाब जेल यूज़ करती थी। इस बॉटल में स्प्रे लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया था। हालांकि मैं आज तक पछता रही हूँ इसको लेकर, क्योंकि ये उस तरीके से कुछ काम करता है नहीं, तो मेरे लिए तो डाबर वाला ही सही था यार। गाइस, उसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर का शीट मास्क। तो ये हाइड्रा बॉम सीरम मास्क है, इसको 15 मिनट्स अपने चेहरे पर लगा कर रखना है। और इसकी अगर प्राइस की बात करूँ ना, तो ये आता है 100 रुपीज़ का एक शीट मास्क, मतलब ये वन टाइम यूज़ ही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तो अगर आप टीनेजर्स हो एंड एफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, पैक लगाने के बाद में आप डायरेक्ट टोनर एंड उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगाकर आपके क्लीनअप को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एफर्ट कर सकते हो, तो मास्क लाना ज़रूरी है, क्योंकि मास्क से ना एकदम अचानक से ग्लो आ जाता है। फेशियल करने की भी ज़रूरत नहीं, अगर कहीं भी फटाफट जाना हो तो फटाफट लगाया, 15 मिनट तक रखा, और देखिए इस तरीके से ये सूखने के बाद में अपने आप निकलता है। तो जैसे ही ये निकल गया ना, थोड़ा सा सीरम जो भी फेस के ऊपर बचा हुआ होता है, उसको आपको अच्छे से मसाज कर देना है। एंड देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है फेस पर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप
वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर जाइए और उसमें मेरा फेस देखिए और अभी मेरा फेस देखिए, तो आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए, अब मॉइस्चराइज़र की बारी आ गई है, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पॉन्स का मॉइस्चराइज़र। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मेरा जो फेस है वो है ऑयली स्किन, तो उस हिसाब से ना मुझे जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं बिल्कुल भी सूट नहीं होते। तो यहाँ पर ये मैं मॉइस्चराइज़र जेल वाला यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही लाइट एंड बहुत ही अच्छा, मेरा द फेवरेट है ये वाला मॉइस्चराइज़र। एंड गाइस अब लिप को स्क्रब किया है तो मास्क को कैसे भूल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जस्ट हर्ब्स का ही पुदीना फ्लेवर में जो मास्क है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो गाइस लिप्स को स्क्रब करने के बाद में जब मास्क लगाते हैं ना, तो 2 रात में ही आपके जो होंठ फटे हुए हैं वो एकदम अच्छे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड ये मास्क है ना मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देखिए गाइस, मेरा क्लीन अप हो गया है कंप्लीट। तो आई जस्ट होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो जल्दी से कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।